सुबह और शाम का रियाज किस प्रकार से किया जाए, इसका मैं एक तरीका बताता हूँ। और उस तरीका से आप अगर रियाज करते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल की बात भी इसमें है, लेकिन आप सुबह के रियाज पे अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो शाम का जो थोड़ा एडवांस स्केल मैं दिखाने वाला हूँ, हालांकि स्केल सेम ही मैंने चुना है सुबह के रियाज के लिए भी शाम के रियाज के लिए भी, अंतर सिर्फ इतना होगा कि ऑक्टिव चेंज हो जाएगा। सुबह में लोअर ऑक्टिव में आएंगे और इवनिंग में आप हायर ऑक्टिव में जाएंगे, तो ये डिफरेंस होगा। और एक यूनिक स्केल, जिस स्केल में जनरली अभ्यास नहीं होता है, उस स्केल को मैंने बेस किया है ताकि उस स्केल पे भी पकड़ बन जाए। खास करके मेल सिंगर के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त है, फीमेल के लिए भी उतना ही फायदेमंद है, लेकिन हायर ऑक्टिव में जब जाएंगे तो वहाँ फीमेल सिंगर के लिए मैं अलग स्केल बताने वाला हूँ। मेल सिंगर को ध्यान में रख के पहले मैं बताता हूँ, बाद में इवनिंग मॉर्निंग रियाज दोनों का सेम होगा। इवनिंग रियाज में फीमेल का अलग स्केल बनाएंगे आप तो ज़्यादा बेहतर होगा, और मेल के लिए तो सेम स्केल रहेगा। ओके, तो मॉर्निंग रियाज जितना अधिक करेंगे तो इवनिंग एडवांस स्केल बन जाता है वो, तो वहाँ आप कर पाएंगे। ओके, स्केल जो मैं चुना हूँ वो स्केल है एफ शार्प, तीसरी काली। पहले आप मॉर्निंग रियाज का एक थीम मैं आपको बताता हूँ, कई बार वीडियो में बताया हूँ, लेकिन पहला थीम ये है, ये एक कॉमन बात है कि आप जितना नीचे रियाज करेंगे सुबह के टाइम में, उसको खरज रियाज भी कहते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी आवाज़ में बेस भी बनेगा, मजबूती आएगी और आप उसको हायर रेंज तक ले जा सकते हैं। ये कटु सत्य है म्यूजिक के इतिहास में, संगीत की दुनिया में, कि खरज रियाज। नमस्कार, गोपाल संगीत चैनल 2017 से आप लोग की सेवा में है, आगे भी निरंतर आपकी सेवा करता रहेगा। आप मेंबरशिप ज़रूर लें, मेंबरशिप लेने से आपको ये बैच मिलता है और आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बनाए जाते हैं, या फिर आप डायरेक्ट हेल्प भेज सकते हैं, डोनेशन भेज सकते हैं, जो मर्जी हो इस स्कैनर का यूज करके आप भेजें, गोपाल महतो ओरिजिनल नाम आएगा। स्पेशल थैंक्स के जरिए भी आप हेल्प कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास के लिए इस व्हाट्सएप नंबर का यूज करें। जय माँ शारदे, धन्यवाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं एफ शार्प में। पहला काम करिए, इसका टाइमिंग आप बढ़ा सकते हैं। पहला काम, यहाँ सा लगाने की कोशिश करना है, कम से कम 5 मिनट तो जरूरी है। मैं 1 मिनट दिखाता हूँ, एक बार दो बार करके सा, इसका एक ट्रिक ये है कि जितनी देर सांस आपका रहे कंटिन्यू बराबर आवाज रहे, कम बेस नहीं, कि सांस ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम, ये नहीं, बराबर आवाज एंडिंग तक। ओके, दूसरा है कि सा बोलने के बाद आप इसको ओम का उच्चारण कर सकते हैं, जिससे पूरा रियाज होता है, आधा में ओ आधा में मो, ये एक ट्रिक है। स्पेशल बात इसमें ये होगा कि दोनों जगह रियाज करने के लिए अलग अलग राग का यूज करना है, ये मेन बात होना है, तो ध्यान दीजिएगा, अंत तक देखिएगा, ये जड़ है। ओके, इसको बेस करके जो मॉर्निंग रियाज का हम राग चुने हैं वो है भैरव, तो भैरव को देख लीजिए, भैरव का नोट क्या क्या बनेगा यहाँ से, इस स्केल में ये जो मैं नोट बनाया हूं, रे कोमल है, ध कोमल है, तो ये बना लिए, सा रे ग म प र नी सा, सा नी र प म ग रे सा। ओके, एक अलंकार बता देता हूं बहुत जबरदस्त का, मेन काम एक सा पे 5-10 मिनट रुकना, उसके बाद इस अलंकार का अभ्यास करना, साधा नी सा, साधा नी सा। हो सकता है ये ध नोट शुरू में नहीं लगे, कोशिश करना है धीरे धीरे नीचे आने का,
सा में थोड़ा देर आवाज किए, फिर नी में करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली ध में आना शुरू हो जाएगा। अलंकार क्या बनेगा? सा धा नी सा रे नी सा रे ग सा रे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नी प ध नी सा ध नी सा सा ग रे सा। आराम से स्लाइडली लगाना है सुबह में, बहुत जोर नहीं देना है क्योंकि अभी इवनिंग रियाज का मसला बाकी है। अब रोक करेंगे सा ग रे सा नी रे सा नी ध सा नी ध प नी र प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा ग रे सा। आकार जितना कम स्पीड में करेंगे उतना ही गला के अंदर हरकत बनेगा। एक स्वर पे रियाज करेंगे आवाज का कंपन दूर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा वॉइस, और स्लो आकार का रियाज करेंगे तो आपके हरकत पे कंट्रोल आएगा। इस लय से ज्यादा स्पीड करना नहीं है जो अभी बताने वाला हूं, एकदम तय मानिए। बहुत फास्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, लास्ट में होगा तो आप तेज कर लें, लेकिन मेन रियाज सा ग नी सा रे नी सा रे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नी प ध नी सा ध नी सा सा ग रे सा नी ध सा नी ध प नी ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा ग रे सा। ये स्पीड जिसमें मैं गाया हूँ अभी, इसमें आकार करिए। करना है बाद में, लास्ट टाइम में मैंने कहा था कि म्यूजिक में दो चीज बहुत इजी है, खुद से गाना बजाना और फास्ट गाना, ये म्यूजिक का एंडिंग नहीं है। तो तेज करने का लास्ट में कर लें सा रे नी सा रे नी सा रे ग सा रे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नी प ध नी सा ध नी सा सा ग रे सा नी ध सा नी ध प नी ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा ग रे सा। पहले मिडल स्पीड, ओके। इतना होने के बाद अब आप मॉर्निंग रियाज में चाहे तो बंदी शेड कर सकते हैं। प्रात भयो जागो रघुराई, भैरव का आलाप, बंदिश, तान सब YouTube चैनल में अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, ओके। तो बंदिश कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं भैरव से रिलेटेड। जग उजियारा छाए, ये भी है जागो मोहन प्यारे, इस टाइप का भजन भी गा सकते हैं। तो कंप्लीट मॉर्निंग रियाज आपका ये। इवनिंग रियाज में चलते हैं। अब क्या होगा कि पहले तो सा यहाँ था, अब यही सा मेन सा यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ से जब चलते हैं तो आपका ऊपर का सा यहाँ जाएगा। मैंने पहले कहा कि ये मेल सिंगरों के लिए है, और यही अलंकार अगर रखते हैं तो आपका ग यहाँ का जो बनेगा ये टच करना है, ये टच होना चाहिए। शुरू में यहाँ टिकना थोड़ा मुश्किल काम होगा,
टच यहाँ कर लेते हैं और आप तय मानिए कि इस सा से लेके इस सा तक के इस रेंज का अगर आपने रियाज कर लिया तो दुनिया का कोई भी गाना कंफर्टेबल, किसी भी सिंगर का गाना आप आसानी से गा सकते हैं। इवनिंग रियाज में अंतर ये रखना है, एक तो राग चेंज करना है, मैं राग बताता हूँ मतलब थाट बताता हूँ किस थाट में करना है, दूसरा कि सिर्फ हायर ऑक्टिव में नहीं करना है, क्योंकि ऊपर जब स्वर लगेंगे तो नीचे भी स्वरों का पॉलिश होना चाहिए, तो नीचे भी आना है, यानी कि दोनों ऑक्टिव के अंदर रियाज होना है। ओके, चलिए राग जो चुना हूँ मैं थाट, वो पूर्वी थाट बहुत बेस्ट थाट है इवनिंग रियाज के ख्याल से, तो उसका क्या स्केल बनेगा पहले इसी ऑक्टिव में देख लीजिए, दोनों में करना है। अंतर सिर्फ ये होगा कि इसमें म तीव्र लगेगा, सारे गा म बदल गया, बाकी सब वैसा ही है भैरव के लिए। सारे गा म नी सा नी दा प म ग रे सा। अब इवनिंग में बैठेंगे, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाना है, तो क्या करना है एक बार आरोह अवरोह दोनों पहले नीचे में कर लेंगे फिर ऊपर की तरफ चलेंगे, कैसे या फिर अलंकार कर याद, सारे आवाज गया तो इसको पॉलिश करने नीचे आएंगे, सा नी रा प म ग रे सा। इवनिंग करें मॉर्निंग करें खरज नीचे का रियाज एकदम होना चाहिए, उसी अलंकार को लेके एक बार दोनों ऑक्टिव में चलेंगे दो तीन बार और क्या कमाल का रियाज हो जाएगा। अब ये तो स्लो कर रहे हैं तो गौ में थोड़ा रुकना पड़ रहा है इसको, लेकिन मिडल स्पीड में लाएंगे तो कण के रूप में ये लगेगा, सा द रे सा नी रे सा नी द सा नी ध प नी ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा ग रे सा। रुकना नहीं है, आवाज वहां हायर नोट लगा के आए तो नीचे तक आना है, सा ल रे सा नी रे सा नी ध सा नी र प नी र प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा ग रे सा। खरज भी उतना ही मजबूत होगा, हायर नोट भी उतना ही मजबूत होगा। थोड़ा फास्ट कर ले, जिस लय में मैंने कहा हरकत का रियाज उस लय में ले आए और देखें सरगम और आकार। यहाँ से आगे जाना है, सा ध नि स रे नि स रे ध स रे ग म रे ग म प ध म प ध म प ध नि प ध नि सा नि सा ध रे स नि रे स नि ध स नि ग प नि ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा ग रे सा। नीचे तक आना है, सा ग रे सा नी रे सा नी ध सा नी ध प नी ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा ग रे सा। आकार कर ले एक बार
और इतना को मजबूती। इवनिंग में बंदिश, जैसे भैरव का गाए मॉर्निंग में, इवनिंग में आप पुड़िया धनाश्री का बहुत कमाल का बंदिश मेरे चैनल पे, अपने चैनल पे डाला हुआ है, पुड़िया धनाश्री बंदिश खोजेंगे, बहुत कमाल का उसमें भजन वगैरह भी है। उस टाइम जोन का राग और ये अलंकार। एक मेन बात ये भी था कि इवनिंग में दोनों ऑक्टिव में रियाज होना है, मॉर्निंग में कुछ देर सिर्फ नीचे के ऑक्टिव में रियाज करना है। ओके, फीमेल लोगों के लिए जो स्केल की चर्चा मैंने किया था, आपकी वॉइस अगर यहाँ तक आ रही है तो आप इसको इवनिंग में इसको सा बना के रियाज करें, और इसको सा बना के अगर रियाज आप करती हैं तो तय मानिए कि इसके हिसाब से गौ यहाँ टच होगा। अगर इतना आपका टच हो रहा है कि गौ नोट यहाँ से सी शार्प के हिसाब से, तो आप किसी भी तरीका के सॉन्ग डुएट वगैरह भी आराम से आप गा लेंगी। तो यहाँ से इवनिंग के लिए सा र नी सा रे नी सा रे ग सा रे ग म रे ग प ग म प ग म प ध नी प ध सा ध नी सा सा ग रे सा ग रे सा नी रे सा ध सा नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा ग रे सा। ये स्केल बन जाएगा इवनिंग का, मॉर्निंग का सेम ही रहेगा। ओके, थैंक यू।